जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी वर्ब पढ़ने वाले हैं। हमने कक्षा 8 के हिंदी एकम 1 पत्र एवं डायरी है उसका अभ्यास हमने कर लिया था। आज हम एकम 2 कच्छ की सैर यानी कि कच्छ के प्रवास। हमें सबको प्रवास यानी कि सैर करनी बहुत ही पसंद होती है। तो बच्चों, हम सभी को कच्छ जाना है ना, तो आप सब रेडी हो जाओ और हम कच्छ में कौन कौन से शहर, कौन से गांव, कौन सी विशेषता है कच्छ शहर की, ये आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और कच्छ की सैर है वो निकालें। कच्छ की सैर श्री हरेश ढोलकिया, बच्चों उसके लेखक है श्री श्री हरेश ढोलकिया। बच्चों, खास याद रखना है कि कच्छ की सैर के लेखक कौन है, श्री हरेश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे, वो एक शिक्षक थे। शिक्षक हुआ आपकी पंचायत बस गए। पूर्व राष्ट्रपति श्री पीजे अब्दुल कलाम की बहुत चर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगर पर शीर्षक लेकर किया था। श्री हरेश ढोलकिया जी है उसने अब्दुल कलाम की पुस्तक भी इंग्लिश विंग्स ऑफ फायर उसका गुजराती में अनुवाद किया और उसका नाम उन्होंने रखा स्वप्न पलंग। शिक्षण कार्य आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखक कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगत नोप 400 टका आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आप कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। प्रस्तुत इकाई है एकम है उसमें आपने श्री हरेश ढोलकिया जी ने कच्छ का कैसा है वह बताने का प्रयास है वह हमने किया जिसमें कच्छ एवं इर्द-गिर्द यानी कि आसपास दर्शनीय स्थान दर्शनीय यानी कि देखने के योग्य देखने लायक स्थानों का परिचय करवाया। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मुद्दों को विकसित किया गया है। यह आपकी रचना कच्छ यात्रा का महानुवाद प्रस्तुत किया गया है। यात्रा क्या, क्योंकि यह हमें यहाँ पर यात्रा करनी है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत प्रांत यानी कि प्रदेश दर्शनीय यानी कि देखने योग्य प्रदेश विशाल भारत में है। बड़े भारत में देखने योग्य कई प्रदेश है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य। हर एक प्रदेश है उसका अपना महत्व है और अपना ही अलग सा सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात है बच्चों, हम सभी गुजरात में रहते हैं तो गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी कि विशिष्ट अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। बच्चों, गुजरात में कई जिले आते हैं मगर गुजरात का एक विशिष्ट जिला है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कच्छ। जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय यानी कि अत्यंत देखने योग्य प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्री यानी कि जो पर्यटक आते हैं उनके लिए कच्छ है वो आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ज्यादा पर्यटक है वो कच्छ देखना चाहते हैं। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं, इसका कच्छ का पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। अनेक दर्शनीय स्थान है कच्छ में, इसलिए कच्छ को क्या कहा जाता है, म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कहा जाता है।
कच्छ में प्रवेश करते ही हम रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। कच्छ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो रेगिस्तान रेगिस्तान यानी रण रेगिस्तान के हमें दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। बच्चों खास याद रखना कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें क्या दिखाई देता है, तो कच्छ में प्रवेश करते ही हमें दो रेगिस्तान दिखाई देते हैं। कौन कौन से? एक बड़ा रेगिस्तान और दूसरा छोटा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। बच्चों रेगिस्तान में रेत होती है, मगर यह दोनों रेगिस्तान है उसमें रेगिस्तान जैसी कोई बात नहीं है, कहीं हमें रेत नजर ही नहीं आती, रेत कहीं नजर ही नहीं आती। अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यह दोनों रेगिस्तान बड़ा रेगिस्तान और छोटा रेगिस्तान है, वहां रेत है वो कहीं नजर ही नहीं आती, फिर भी उसे रेगिस्तान बोला जाता है, इसलिए यह अनूठा अनूठा यानी विशिष्ट रेगिस्तान कहा जाता है। सामख्यले को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जब हमें कच्छ में प्रवेश करना हो तो सबसे पहले सामख्यले वो गांव का नाम है उसमें प्रवेश करना पड़ता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यदि हमें कच्छ की यात्रा प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले हमें सामख्यले गांव है उसमें से गुजरना पड़ेगा। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। जैसे ही हम सामख्यले में प्रवेश करते हैं तो हम उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ करें तो यहाँ की यात्रा है वो कच्छ की यात्रा है वो प्रारंभ होती है। त्रापर से गोरामीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। बस त्रापर से गोरामीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति है मोहेंजोदड़ो। आप पहले भी मोहेंजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे जो गुरु जो है उन्होंने वाटर व्यवस्था बनाई थी, घर की व्यवस्था बनाई थी, वो जमीन के अंदर गाड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है, तो मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। यह नगरी है उसके दर्शन ही करते ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं, भले ही जूना हो पुराना हो मगर हमें आधुनिकता के दर्शन है वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं। सामख्यले से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है। सामख्यले से हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या नजर आएगा? बचाव। जो बड़ा गांव है जैसे शहर वो कहने को तो गांव है मगर इतना बड़ा है कि हम नगर का नाम दे सकते। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। हम जब से आगे बढ़ेंगे तो वहां से गांधीधाम आएगा और गांधीधाम है वो औद्योगिक कारखानों का शहर कहलाएगा। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी होती है। गांधीधाम है उसमें कौन सी प्रजा कौन से लोग रहते हैं? तो वहां सिंधी प्रजा है जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर स्थायी हुए हैं यानी रहने लगे। गांधीधाम आदिपुर गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। कौन कौन से शहर है वो उद्योग के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं? तो बच्चों गांधीधाम आदिपुर और गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास कंडला बंदर का महत्व है। बच्चों आप कंडला बंदर के बारे में तो जानते हैं, जो बड़ा सा बंदर है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्व है। कंडला बंदर है इसका विकास है वो यहाँ की प्रजा यहाँ के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा का है। कंडला से दक्षिण दिशा तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो वहां भद्रेश्वर अति प्राचीन यानी कि अति पुराना जैन यात्रा धाम है। संगे मरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। संगे मरमर यानी कि आरस से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना जिनालय। बच्चों यदि हम हिंदू है और
भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस स्थल को हम क्या बोलते हैं? मंदिर बोलते हैं। उसी तरह यदि जैन लोग हैं वो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो उस धार्मिक स्थल को क्या बोला जाता है? चिनालय। 2500 वर्ष पुराना चिनालय भूकंप में खंडित हुआ है, खंडित यानी कि टूट गया है। 2500 वर्ष हो गए इसके, वह खंडित हो गया है, टूट गया है। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। वह खंडित हो गया है, टूट गया है, मगर उसके पुनर्निर्माण पिछले बनाने का कार्य है वो जोरों शोरों से अभी चल रहा है। इसे आधुनिकता स्पर्श मिला है। इसे आधुनिकता यानी कि वह तो पुराना है मगर अब नई टेक्नोलॉजी उसमें आ गई है, इसलिए उसमें आधुनिकता के दर्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। मुद्रा सभा तहसील मुख्यालय भी है, तहसील यानी कि तालुका। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुद्राशालय है, वहाँ अनेक उद्योग है वो स्थापित हुए हैं, इसलिए यहाँ विकास की दिशा है वो खुली हुई नजर आती है। समुद्र में किनारे बंदरगाह विकसित हुआ। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें, प्राचीन यानी कि पुरानी इमारतें यहाँ दिखाई दे रही है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मालदीव पहुंचे। तट से यात्रा करते हुए हम मालदीव जाते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी है वो भी बहुत ही सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ सवन राजा के महल, पवन चक्की और तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय है। मांडवी है वो किसकी? बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि यहाँ पर सवन राजा के महल, पवन चक्की और समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा है, इसलिए यह अधिक दर्शनीय यानी कि देखने योग्य स्थल है। यहाँ BRPI ग्राम्य संस्था है, 72 उपचिनालय है। पास बिगड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठारी, सुखरी और महत्वपूर्ण गांव है। जेलों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। बच्चों ज्यादा लोग हैं वो मांडवी में कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं तो वहाँ मांडवी में जैन लोग है उसका प्राधान्य यानी जैन लोगों में वो ज्यादा मांडवी में रहने गए हो ऐसा दिखाई दे रहा है। नलिया शहर तहसील का केंद्र, यहाँ रानी वायुसेना का मुख्य अड्डा है। बच्चों आपको पूछा जाए कि वायुसेना का मुख्य अड्डा कौन सा है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि नलिया शहर है वो वायुसेना का मुख्य अड्डा कहा जाता है। बच्चों आज हम एकम दो है वो यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि अगले क्लास में हमें एकम दो है वो आगे बढ़ाएंगे। बच्चों आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए आप सभी का शुक्रिया। जय स्वामीनारायण।